ये पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक एक एटीएम में पैसे नहीं है दूसरी एटीएम का लॉक जो है गायब को थोड़ा जा रहा है जिसके लाइफ कैमरे जो चल रहे हैं और बैंक की सिक्योरिटी सो रही है दरवाजा लॉक नहीं हुआ दरवाजा टूटा हुआ था मैंने पिन कोड डाला है दरवाजे में धक्का हुआ और एक बंदा दाखिल हो गया हेलमेट पहना हुआ था और उसने जो है राइफल

मैं आईफोन मेरा चोरी हुआ इनकी नाइली से मेरे पचास हजार रुपए गए इनकी नाइली से मैंने सीपीएलसी वालों को फोन किया भाई जल्दी से बोला तो नहीं अभी हम, अभी कर हम इफ्तारी कर रहे हैं कर रहे हैं उसके बाद करना मतलब बात तो सुनो कट फोन पर वो ए टी एम एक केबिन के अंदर लगा हुआ है अगर उस केबिन के अंदर अगर कोई वारदात होती है

ये मेन यूनिवर्सिटी रोड का वाक हर वक्त चलता हुआ रोड वो 24 घंटे चल रहा है मोबाइल खड़ी हुई है रश सुबह ईद की नमाज हो रही है और लाइन से गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले आज शैतानी बिस्मिल्लम जी रहीम कुछ दिनों कबल हमने अपने प्रोग्राम टक्कर के लोग में मोबाइल चोरी की एक वीडियो बनाई एक गाड़ी चोरी की वीडियो बनाई अब पता नहीं क्या बात है शायद इन लोगों को ये पसंद नहीं आई कि भाई क्यों वीडियो बनाई मेरा जो है मोबाइल जो है वो स्नैच किया गया ए टी एम के अंदर से दिनाश भाई की गाड़ी ईद की नमाज के दौरान गाड़ी के शीशे तोड़ के अंदर से सामान जो है वो निकाला गया तो यही शहर का हाल है हर शहर की कहानी है तो हमने तो इसको इशू बनाने की कोशिश नहीं की जाती मसला था लेकिन इस शहर की जो सूरताल है जिस तरीके से इस वक्त लूट मार हो रही है इस वक्त ऐसा महसूस होता है कि कराची के अंदर हुकूमत नाम का कोई वजूद नहीं है जुनेद भाई इस वक्त हुकूमत है इस शहर में लावारिस कराची कोई है ही नहीं पुरसान हाल इस शहर के अंदर आपके साथ जो हुआ बात यह कि हम तो आपको तो एक कराची की वॉइस कंसीडर किया जाता है कि जी कराची के लिए आवाज़ उठाने वाले लोगों में सैयद फैसल हुसैन का शुमार होता है और वो उसका इनाम मिला उसका जाना? इनाम मैं वही कहने जा रहा था कि वो आवाज़ उठाने का इनाम ऐसा मिला कि एक एक ऐसे इलाक़े के अंदर जो कि हर वक्त रश रहता है आपके साथ तो बड़ा एक अजीब व गरीब वाक़ हुआ जो तफसील अब आप खुद बताइए कि हुआ क्या आपके साथ उसके बाद हम बताते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ अच्छा चिन्हित भाई हुआ ये कि ईद से चार पाँच दिन कबल यार एक हफ्ते कबल शाम को असर के बाद फिर मैं गया कि मैंने कहा अभी रश कम होगा मगर से पहले जो है वो मैं एटीएम से पैसे निकलवा लूँ तो मैं ऑफिस से निकला अच्छा मैं पैसे ए से निकलवाता हूँ ये आगा खान अस्पताल है ना इसके बराबर में जो पी का पंप है जी जी यहाँ पर मैं आया तो यहाँ जो मैंने कार्ड डाला तो पता चला कि वो पैसे नहीं है और लोग भी आए हुए थे सब लोगों ने बोला भाई तो स्टेट बैंक की पॉलिसी बड़ा गुस्सा किया गया ए टी एम है मजाक है एच बी एल अच्छा मेरा अकाउंट भी एच बी एल का है और मशीन भी जो है वो एच बी एल की है मैंने कहा चलो ठीक है अब नहीं है तो क्या यहाँ तो आप किस मुल्क में किसी से आप शिकायत कर नहीं सकते कुड़ने का ऑप्शन है इसमें कुटते रहो बहरहाल फिर मैं वहाँ चला गया शरफाबाद की तरफ तो शरफाबाद में जो रेड एप्पल रेस्टोरेंट है उसके बराबर में हबीब बैंक की ब्रांच है उस ब्रांच के अंदर मैं गया दाखिल हुआ तकरीबन साढ़े छः बजे का टाइम था मैंने दरवाज़ा लॉक करने की कोशिश की तो दरवाजा लॉक नहीं हुआ दरवाज़ा टूटा हुआ था अच्छा हाँ मेरी छठी इसने बोला अल्लाह ताला रहम फरमाए अच्छा मेरे साथ ऐसा बहुत दफ़ा हो चुका है कि दरवाजे का लेकिन मैंने बोला आज कुछ गड़बड़ लग रही है दरवाजा क्यों टूटा हुआ है तो मैंने जो है उसको जो है जहन में मुख्तलि एकदम मंडलाने लगे लेकिन मैंने उनको जो है एक तरफ रखा और अपने कार्ड जो होता है डाला और पैसे लगा लगा रहा और पिन कोड ऐसे ही मैंने पिन कोड डाला है दरवाजे में धक्का हुआ और एक बंदा दाखिल हो गया हेलमेट पहना हुआ था और उसने जो है राइफल रखी और बोला इधर नीचे बैठ जाओ

पिन कोड लिया और वहाँ से अब उसने मस्जिद निकाले नहीं निकाले पच्चीस हज़ार ये उस तक मैं जज नहीं कर सका अच्छा ठीक है बहरहाल मैं बाहर निकला एक ही आदमी था तो बाहर निकला वो जा इधर जा मैंने तो सीधे पूछा ये कौन सा इलाका कौन सा, सा, सा था, 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 था शर्फाबाद शर्फा से आप जाते ना सीधा जी जी तो पहली चुरंगी आती है उसके बाद दूसरी है। चोरंगी है उसके अलावा गनमैन होता ही नहीं ना। तो में सिर्फ ड्यूटी में मिलता है लाभारिशी लाभारिस के शहरी में स्टेट बैंक की एसओपी आया ऑफिस भी करीब है मैंने सीपीएलसी वालों को फोन किया भाई जल्दी से ये हो गई है

लेकिन इतफाक की बात यह मेरी जेब में भी एक रुपया नहीं था और मेरे घर में, में वाइफ के पास भी पैसे नहीं थे और जैसे में उसकी खराब उसकी गए तो किस्मत खराब यह है थोड़े पैसे भी जेब में होते कि आज का दिन निकल जाए घर वालों के पास बेगम के पास होते तो मैं जाता ही नहीं ये ये कुंडी हादसाती खराब हुई नहीं हादसाती नहीं ये भी मैं आपको बताता हूँ तो बरहाल फिर उन्होंने कम्प्लेन दिखवाई फिर पुलिस रेंजर्स वगैरह सब आ गए जो भी हुआ मामला तो अगले दिन जो वीडियो हमने निकलवाई उससे मालूम चला कि वो साहब आए और उन्होंने एक घंटे पहले पांच के दस मिनट पर ताला खराब किया ताले में एल्फी डाली ताला खराब किया उसके बाद बाहर खड़े होकर घाक का इंतजार किया हाँ पता नहीं होता ना मौत और घाक का कब आए तो वो गाग आप थे, आग आग गाग थे। जो है है वो किस्मत की बात कि हो सकता है बीच में और लोग आए उसको माहौल ना बनाओ मिलाओ कुछ लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उसको वही आइडियल मोमेंट लगी तो बकायदा वेट करता रहा वो बंदा एक घंटे तक ये पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक का हाल है ये पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक में पैसे नहीं है दूसरी एटीएम का लॉक जो है गायब वो तोड़ा जा रहा है जिसके लाइव कैमरे जो चल रहे हैं और बैंक की सिक्योरिटी सो रही है ये दुनिया में किसी और मुल्क में भाई ये वाक तो हो नहीं सकता था अगर हो गया होता तो उस बैंक का शायद लाइसेंस मनसुख हो जाता उस पर अरबों रुपए का सू कर दिया जाता लेकिन कौन पूछ रहा है दुनिया के अंदर जितने भी बैंक्स हैं उनके एटीएम टी एम होती हैं मैंने जितनी मेरी मालूमात है कि वो एटीएम टी मशीन के अंदर अगर वो पैसा छिना जाए या वो पैसा चोरी हो जाए एटीएम मशीन से वो पैसा इंश्योर्ड होता है क्योंकि एटीएम एक केबिन के अंदर लगा हुआ है अगर तो उस केबिन के अंदर अगर कोई वारदात होती है तो वो वारदात इंश्योर्ड होती है इंटरनेशनली जो हमारे तो पाकिस्तान में भी है लेकिन अच्छा, ये बैंक वाले जो मैं ने... मैं वही आ रहा हूँ क्योंकि इंटरनेशनली तो देखें जो पॉलिसी है जो बैंक के लिए बन रही है जो बैंक ऑफ अमेरिका के लिए बन रही है उससे मैच करती हुई पॉलिसी अभी बैंक के लिए बनेगी ना

मैं चार पाँच दिन इंतजार करता रहा कि बैंक खुद रिएक्शन ले नहीं हुआ अब मैं बैंक को अब्लिकेशन दूंगा एक टाइम है अगर उस टाइम पीरियड के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देखने वालों के लिए अगर आपके साथ ये एटीएम में वाक्य होता है तो आपने क्या करना है बैंक को फौरी इतला करें एक हफ्ते इंतजार करें अगर कोई आपकी वो सुनवाई नहीं होती है तो रिटर्न में अप्लीकेशन दें तो तीन हफ्ते या चार हफ्ते का टाइम है अच्छा। उसमें भी अगर बैंक आपके साथ देखे जो पैसे ए में जा रहे हैं बैंक वो देने का पाबंद है आपको झूठ बोलते हैं बैंक आपसे गलत बयानी करते हैं ये, ये एक के के है। अगर ये तीन हफ्ते या चार हफ्ते की मदद है उसमें अगर ये आपके पैसे नहीं देते तो ये आपके पास हक हासिल है कि आप बैंकिंग मोतसिब को एक दरखास्त दें अच्छा मोतसिब हाँ मोतसिब से आप जो है जस्ट लाइक अदालत ठीक है वहाँ आपके हक में जो है ना फैसला हो सकता है खुदा खासा खुदा ना खास ये डरेंगे ये आपको डराएंगे कि वहां मत जाना लेकिन आपने जाना है हम मतलब तो हम और वहां भी आपके इंसाफ ना मिले तो आप अदालत जाए लेकिन घरों में नहीं बैठो निकलो लिए अच्छा आप, आप नोट करें पिछले कई दिनों से रोजाना मुख्तलि की सिर्फ वीडियो आ रही, रही है रोजाना की तादाद लेकिन और... खातून भी आई है, वाटर किस तरीके से आयशा मंजिल के ऊपर आयशा मंजिल के ऊपर मतलब खातून के साथ बदतमीजी उनको बिठाया आप उनको आप पच्चीस हजार रुपया गार्ड रोड पे खड़ा करने को तैयार नहीं हो यार नहीं है आप उस ब्रांड से अरबों खरबों रुपए कमा रहे हो अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं आप एक जो आप ए टी एम किसी अदर माने को भी छोड़े खिलात होती है आपका क्लाइंट आपकी जिम्मेदारी है बिल्कुल है आप ये एक जो क्लाइंट आप किसी ना बनकबाब की दुकान पे भी जाएंगे ना उसने भी चार गार्ड खड़े किए हुए होते हैं बिल्कुल है। किए है और आप छोले लेने जाते हैं आप इतनी बड़ी एटीएम मशीन लगा के बैठे की ट्रांजेक्शन लोग करने आ रहे हैं लाखों रुपए पचास हजार लाख रूपए निकल पा रहे हैं दो दो लाख पास मोबाइल है उसकी जो है वो क्या कहते हैं कोई वही नहीं है कोई सेफ्टी नहीं है कोई इससे भी आगे का सुने आप ये अभी बैंक का बता रहा हूँ मैं आपको ये तो आज ही हुआ मेरे साथ बाद मैंने कार्ड जो है उसको दोबारा अप्लाई किया कार्ड जो है वो आ गया अब घर में आ जाता है तो कार्ड मैंने उनको मेरा उसको मैंने अपनी मोबाइल ऐप भी बंद करवा दी थी कार्ड भी बंद करवा दिया था तो मोबाइल ऐप में जब मैं करने लगा कार्ड आने के बाद जब पिन कोड मिलता है आपको नया उन्होंने जो मेरे मोबाइल पे जब मैंने ऐप डाली और अपनी आईडी डाली तो मेरे को जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपका फोन जो है वो आई है आप एंड्रॉइड यूज़ करें

यार ये <laughs> ये ये कौन लोग हैं किस किस असल में में रहे हुआ है कि वो उन लोगों को बड़ा बुरा लगा आपका आवाज बुलंद करना और हमारा शो करना कराची के हालात के ऊपर तो उन्होंने शायद सजा के तौर पे हमारे साथ तो ये अमल किया है कि आपसे पैसे भी ले लिए मोबाइल भी ले लिया और फिर वो बैंक भी आपको सता रहा है

इतनी आजिज हो गई है कि वो कह रही है कि अब आप, आप देखें तो कम से कम डी शर्म कर लेगा मंजिल पे जो वाक हुआ है, तो है ना अच्छा मुलजिम तो पकड़ेगा लेकिन कौन सा वो मुलजिम पकड़े जाते हैं तो क्या पैसे मिल जाते हैं जिसका गया उसको क्या फायदा हुआ भाई अगर मुलजिम पकड़ेगा वो तो पहले आप शनाख का प्रोसेस यार

जो अच्छा बाहर थाने की मोबाइल खड़ी हुई थी सफारी पार्क के गेट के ऊपर वो एक हाथी बना हुआ उस हाथी के साथ मोबाइल खड़ी हुई थी और लाइन से गाड़ियां पार्क हुई हुई थी भाई हर चीज एक इंतहा को है डकैत आते हैं चोर आते हैं उन्होंने लाइन से दस बारह गाड़ियों के शीशे तोड़े और किसी के अंदर मोबाइल अमूमन लोग जब मस्जिद जा रहे होते हैं तो मोबाइल वॉलेट कैश पैसे वैसे गाड़ी में ही छोड़ देते हैं और उसका होता है कि यार अंदर बजेगा मोबाइल ये वो तो वो छोड़ देते हैं और वैसे भी ईद के लिए आप जा रहे हैं मोबाइल खड़ी हुई है तो वो हम सब भी ऐसे ही चले गए अंदर चीजें थी गाड़ी के अंदर और वो सबके थी मेरा तो अलहमदल फिर कुछ इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ लेकिन जो दीगर गाड़ियां थी किसी के पचास बारह से तेरह गाड़ियां एक, एक ही वक्त के अंदर नमाज पढ़ने नमाज पढ़ने के दौरान माशा और माशा क्या हद हो गई है मोबाइल खड़ी और ये मेन यूनिवर्सिटी रोड का वाकया हर वक्त चलता हुआ रोड वो 24 घंटे चल रहा है मोबाइल खड़ी हुई है रश सुबह ईद की नमाज हो रही है और लाइन से गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले आपने अच्छा कोई पूछने वाला भी नहीं है मैं आपको बताऊं बड़े मजे की बात ये हो गया होने के बाद एक होता है कि यार फलाने थाने की हदूद में यार ये वाक हुआ है तो उस एस एच ओ को भी खौफ होगा उस इलाके का जो वो जो अफसर होगा उस मोबाइल अफसर होगा जो मोबाइल वहां खड़ी है उसको कोई खौफ होना चाहिए कि यार अब हमसे कोई पूछ होगी या हम ऐसे उनकी ये फर्ज से उनकी तो नहीं है ना, तो सवाल होगा जान बच गई इस वक्त जंगल के जानवरों को जो है ना जितनी आजादी और सकून हासिल है, है ना कराची में रहने वाले शहरियों को भी जंगल के छोटे जानवरों को दरिंदों से इतना खौफ नहीं है जितना कराची का शहरी जो है खौफ के आलम में जो है जिंदगी जो है तीन साढ़े तीन करोड़ के शहर में शायद कोई शाजो ना देना साढ़े तीन करोड़ ना बोलिएगा इतनी तो इनकी मेहरबानी है डेढ़ कर दिया वरना ये तो मेरे ख्याल कोई लाख पे निपटा देते शहर को इस पर तो हम अगला प्रोग्राम करेंगे आज के लिए जो है वो इतना ही ये शहर है हर इंसान के पास जो है ना अपने किस्से अपने अफसाने आपको सुनाना था खास तौर पर हमने जो आपको तरीकेकार बताया लेकिन लेकिन आवाज उठानी आवाज उठानी सबने मिल के आवाज उठानी है इस तरह गुट घुट के जीना नहीं है बिल्कुल नहीं जीना जीना है तो जिंदा दिलों की तरह जीना है जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है लेकिन ये गुट घुट के जी रहे हो तो इससे जालिम आदमी जो है ना और ताकतवर हो रहा है और उसके हौसले जो है ना बुलंद हो रहे कहावत है, है ना कि जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठोगे उतना जुल्म सहना पड़ेगा इसी कहावत के साथ जो है इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़